हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारिया नूं। एक बार फिर तो स्वागत है ईस्टर वीकेंड ब्लॉग ते, जिहदा कि अज तुसीं तीजा भाग देखण जा रहे हो। ते पहले दो पार्ट तुसीं देखे आ, ते जे तुहानूं वधिया लगे जरूर लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। ते अज हैगा थर्ड डे साडा गोल्डन बे एरिया दे विच, ते अपनी अकोमोडेशन तों हुण असीं चलण लगे आ अपनी नैक्सट डेस्टिनेशन ते, जो कि तुहानूं उत्थे जाके ही दसांगे, बिकॉज़ सानूं वी नहीं पता असीं हुण पहलां कित्थे जाणा आ। तो 9:30 बज गए, बट आप इस तो पहला भी उठ गए सके, सवेरे 6-7 बजे ही उठ गए सके। तो सब तो पहला इतने सीधा सामने बीच आ, बीच पर गए सी, सनराइज़ देखा थोड़ी देर, उत्थे बीच पर वॉक की, बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट वैदर सगा। तो वो मैं थानू हूँ उदों का सारा जोड़ा ब्लॉग से छोटा जहाँ हूँ दिखाऊंगा थानू, तुसी वो देखियो। तो उस तो बाद फिर आप कॉन्टीन्यू करा कि आप हूँ कितने जाना है। सो इंजॉय करो तुसी टाटा बीच, इतों का जो टाटा बीच बहुत ही फेमस बीच है, बहुत ही ज़्यादा हॉलीडे होम्स बने हुए जिथे आप सवेरे सवेरे गए सेंगे। तो सवेरे सवेरे इंजॉय किया सनसैट वगैरह, तो सॉरी नॉट सनसैट, सवेरे केड़ा सनसैट होंगे मैं दस्यो जरा, क्योंकि गल यह कि यार आदत सनसैट दी पई वा, सनराइज़ तो कभी देखा ही नहीं ना, चक्कर ये उठीदा ही नहीं। तो सनराइज़ देखा सगा अच्छ सवेरे उत्थे, तो निका जहा ब्लॉग जो इंजॉय करो तुम पहला। तो उस तो बाद हम आप इतों ड्राइव शुरू करते हैं, जल्दी जल्दी निकलते हैं। तो अगे अज काफ़ी थावं देखने वाली आ, तो मैंने लगता काफ़ी मिस करनिया पैनिया सानू, बिकॉज समा इजाजत नहीं दे रहा। तो हूँ आप चलते हैं इतों, तो तुसी इंजॉय करो पहला सवेर वाला सनराइज़, तो उस तो बाद मिलते हैं थानू। हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी। सवेरे सवेरे उठ के सब तो पहला सीधा ही टाटा बीच से, क्योंकि कोल ही अकोमोडेशन उत्थे आए हैं, तो थोड़िया बहुत फोटोस वगैरह क्लिक करांगे। तो मैं क्या सनराइज़ की फोटो क्लिक करूँगा पहले, रात की क्या तारियां की करूँगा, तारियां की करनी सी तो फुल मून हो गया, हूँ सनराइज़ की करनी है तो बदल हो गए, पर बदलों भी काफ़ी सोहना कलर आ रहा है। फोटोज़ खिंचते हैं, ड्रोन शॉट लिया थोड़े जो भी दिखाऊंगा थानू। तो इतने थोड़ी देर रिलैक्स करना, उस तो बाद फिर दोबारा वापस अकोमोडेशन के जाके ब्रेकफास्ट करना। बड़ा ही सोहना व्यू है, देखो सिरा लग गया पाया। जी अज हो रहा प्रोपर मुसाफिर वाला ब्रेकफास्ट, इनू कहते मुसाफिर वाला ब्रेकफास्ट, कॉफी टी क्रोसोन्स थोड़े जे इंस्टेंट नूडल्स मफिन ते टोस्ट, ब्रेकफास्ट करके तैयार होइए ते फिर चलिए आप अज घूमीए। बहुत ज़्यादा घूमना अज, रात तक घूमी जाना, उस तो बाद कल फिर अपनी वापसी होनी है। पर अज का दिन आप होर भी वधिया कढ़ांगे, हर एक दिन पिछले दिन नालों वधिया। कल वाली वीडियो दे देखे होना, जी तुम लास्ट वीडियो देखी सी, आप एक केव्स देखने आए थे राह जाते हुए, जिड़िया क्लोज हो चुकी हैं उदों तक। तो हुण डिसाइड करता कि अज आप अपने दिन की शुरुआत इतों ही करते हैं, सब तो पहला केव्स देखने आने। बाली जनता आई हो वह जो देखा जाए, अच्छा सिर पर हैलमेट भी पाना पैंता है, आपको तो पाना नहीं। सो चलो देखते हैं कि एक्सपीरियंस है, बड़ा सुना ये बारे कि वधिया होंदियां इह केव्स। तो लैट्स गो एंड हैव ए लुक। नारुआ केव्स, मैंने नहीं पता इन्हें कितना प्रोनाउंस करते, सॉरी जो गलत प्रोनाउंस किया, इदा ही है कुछ। नगारुआ केव्स गाइडेड केव टू 11 डिग्रीज आया, देखो इदा दी अंदरों बचा मैं सिर सुर डिगूगा जो मैं उपर चढ़िया हो। सॉरी नो वीडियोज और नो ट्राईपोड, सो कोई वीडियो नहीं मिलेगी थानू, यदी फोटो पा दूंगा मैं बाद। हैलमेट लै रहे उन्होंने कहा पास नहीं चाहिए, कहती हैलमेट सार दी पास। सो जो असी केव्स के अंदर गए ना, कुछ इस तरह दियाँ केव्स, बहुत ज़्यादा हनेरा सी, अंदर लाइट्स लगिया हुई सी,
तो एक जड़ा इन्हों की मेन खासियत सी कि इतने बहुत ज़्यादा लाइम स्टोन से लाइम स्टोन तो बनिया हुई जिन्होंने ड्रिप स्टोन भी कहें जिदा इस फोटो के देख रहे हो कि पानी जरा स्टोन के ड्रिप कर रहा है। तो इतने पुराने कीवी दियाँ बोन्स पईया प्रॉपर जिदा कीवी बर्ड सी बोन्स पईया से एक मोवा बर्ड हों पहला हों भी बोन्स पईया हुई सी बहुत ही इंट्रस्टिंग से। चलो अगे देखिए हम आप अपनी अगली वीडियो। ओ जी केव्स देख लेंगे डन हो गई हूँ थले आ गए इन्हों के कैफे इतों चकनी कॉफ़ी तो बाकी यदि फोटोस वगैरह पाऊँगा जरूर देखियो। सो वॉक हो गई डन एक बजे कॉफ़ी लई सी बेचारी कहती लिट्स खत्म हो गई हैं हम इतने बह के कॉफ़ी पीनी पैनी है तो 15 मिनट लग जाने बट वधिया व्यू इंजॉय कर रहे हैं। सो टेक अवे लिट खत्म हो गई सी अपना देसी टेक अवे पर ना सर हेलमेट पा के हजी हो गया खराब। चलो कोई ना सैट करते हैं केव्स देख ली काफ़ी सोहनिया सियाँ डिफरेंट चीज़ सी वीडियोज़ नहीं बना सके अंदर क्योंकि अलाउड नहीं आ बट फोटोज़ खिंचिया सारिया ना शेयर करूँगा थोड़े हूँ इतों निकलते हैं क्योंकि 12 बज गए हम नैक्सट डेस्टिनेशन पर जाना है डोंट नो वेयर वी गोना गो बट कितना कितने जावे तो थानू नाल ही नाल अपडेट करी जावे मिलते हैं अगे जाके एंड ट्रिप इज़ गोइंग वेरी वैल सो फार ब्यूटीफुल वैदर सारा कुछ सोहना आ कॉफ़ी मिल गई है तो चलते हैं अगे टक अका हिल के राह कल का मेरा बड़ा दिल कर रहा है इतने सड़क के कितने कंडे से रोक के अपने ड्रोन चढ़ाया है तो हूँ बहुत वधिया स्पॉट लभ्या कि जो वापस आने पे कल क्योंकि आप बहुत जल्दी जिसमें चैक इन भी करना हूँ स्पॉट लभ्या हूँ इतने ड्रोन शॉट लवेंगे होपफुली बहुत वधिया शॉट आऊगा थोड़े ना शेयर करूँगा थोड़े जे ब्लॉग के थोड़े जे इंस्टाग्राम से। सो फॉलो करना ना भुल्यो इंस्टाग्राम से फ्री अंडरस्कोर बर्ड जरा फ्री है वह हैगा FR SS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 
ਸੋ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕੇਵਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਾਹ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਅਬੈਂਡਨਡ ਜਿਹਾ ਘਰ ਆ ਦਿਖਿਆ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਿਹਾ ਅਤੇ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਰੁਕਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਖਿੱਚਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਕੇਵਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਟੋਪ ਲਾ ਕੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ। ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਟਾਕਾ ਵਿਕੀਟੀ ਪੂਪੂ ਸਪ੍ਰਿੰਗਸ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੂਪੂ ਸਪ੍ਰਿੰਗਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ, ਬਹੁਤ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫੈਕਟ ਆ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸੂੰਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਟੀ ਵਾਈਕੋਰੋ ਪੂਪੂ ਸਪ੍ਰਿੰਗ, ਟੀ ਵਾਈਕੋਰੋ ਪੂਪੂ ਸਪ੍ਰਿੰਗ। ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ, ਨੋ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਡਰੋਨਸ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਮੌਰਿਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਕਰਡ ਪਲੇਸ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ। ਸੋ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਪੂਪੂ ਸਪ੍ਰਿੰਗਸ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫੈਕਟ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਆ ਇਹ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਦਰਨ ਹੈਮੀਸਪੇਅਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਲਡ ਵਾਟਰ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਆ ਇਹ। ਜਿੱਦਾਂ ਗਰਮ ਹੋਣੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ, ਬਟ ਕੋਲਡ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਰਨ ਹੈਮੀਸਪੇਅਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਆ ਇਹ। ਨੈਚੁਰਲ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਥੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਥੱਲੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ। ਵਾਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੈਲਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ, ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬਿਲੀਫਸ ਨੇ ਮਾਓਰੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਵਾਕ, ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਗੀਤ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਗੀਤ, ਇਸ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੀ ਪੀਸਫੁਲ ਵਾਕ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋਹਣਾ ਪਾਥਵੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਬਸ ਹਰਿਆਲੀ ਹਰਿਆਲੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਇਹ ਵਾਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਕਲੀਅਰ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ।
ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪੂਪੂ ਸਪ੍ਰਿੰਗਸ। ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਾਫ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਪਾਣੀ, ਸੋਹਣੀ ਦਿੱਖੀ ਜਿਹੀ ਧੁੱਪ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਲਦੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਬਟ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੈਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਈਸਟਰ ਵੀਕਐਂਡ ਦਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਵਾਕ ਪੂਪੂ ਸਪ੍ਰਿੰਗਸ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਬਟ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਵਾਕ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, 20 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀਡੀਓ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਵਾਕ ਆ ਸੇਮ ਡੇ ਦੀ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਊਂਗਾ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਐਂਡ ਕਰੂੰਗਾ ਅੱਜ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ, ਲਾਈਕ ਕੀਤੀ, ਐਂਡ ਤੱਕ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ।